सदियों की पायमाल जमीन रंग लाई है, अब सुरदा जिंदगी ने नई जान पाई है। अब सुरदा सुनते हैं एक फकीर ने जन्नत सजाई है, और कलियरी ने ये बहार मदीने से आई है। कलियर में ये बहार मदीने से आई है। हजरत नाते पाक से प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। दूसरे नंबर पे मैं हुजूर मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के शान में ये मनकवत पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर मस्तान सामिया जिनके नाम से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है पढ़ूंगा। उसूल के हिसाब से साबिर पाक का कलाम समाज फरमाए और हेलो ये भाई लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं आप लोग। देखिए फनकार को जब ही मजा आता है सामने आप लोग रूबरू होते हैं, तवज्जो दे ये बात रही अच्छी। और पीछे वाले भी आगे आ जाएं। ये बेशक सुनिएगा चलो साबिर की गलियों में के बेपर्दा खुदा दा नजर, साबिर की गलियों में बेपर्दा खुदा दा नजर, साबिर की गलियों में अमीर साबरी वल्लाह उसका हज़े अकबर है, और गुजारो ये को सजदा जिसले भी साबिर की गलियों में, गुजारो एक सजदा जिसले भी साबिर की गलियों में। मेरे मखदूम अली अहमद की एक दीदार के खातिर अब हजारों लिया फिरते हैं साबिर की गलियों में, फिरते हैं साबिर की गलियों। लीजिए ना मनकवत का मतलब अर्ज कर रहा हूँ। फिरोज भाई आप भी सुनिए और हमारे राजू भाई सभी हजरात से गुजारिश है तवज्जो दे। आज के साबिर साबिर पाक का दीवाना क्या कहता है, ये जोश मोहब्बत चल कलियर, आए जोश मोहब्बत चल कल यार मखदूम कराओ
मोहब्बत चल कलियर। मखदूम का रोजा देखेंगे हुजूर मस्तान शामिया का कलाम इसके बाद, और इस नाजीज को गुलाम मस्तान सोहराब साबरी कव्वाल कहलिया शरीफ। मैं हुजूर की ही दुआओं से कव्वाल बना हुआ हूँ, तवज्जो दो। ऐ जोश से मोहब्बत चल कलियर, ऐ जोश से मोहब्बत चल कलियर, मखदूम का रोजा देखेंगे। ऐ जोश से मोहब्बत चल कलियर, मखदूम का रोजा देखेंगे। ऐ जोश से मोहब्बत चल कलियर, यानी मखदूम का रोजा देखेंगे। और नस्बत का सहारा तेरे नस्बत का सहारा कलियर से मदीना ले ले, इस बात का सहारा ले ले, कलियर से मदीना देखेंगे, इस बात का सहारा ले ले, कलियर से मदीना देखेंगे, इस बात का सहारा ले ले, कलियर से मदीना देखेंगे, इस बात का सहारा ले ले, कर कलियर से मदीना देखेंगे, इस बात का सहारा ले ले, कलियर से मदीना कुतुब का शहजादा वो गंजे शकर का राजकुमार, तवज्जो। वो ख्वाजा कुतुब का शहजादा वो गंजे शकर का राजकुमार, वो ख्वाजा कुतुब का शहजादा वो गंजे शकर का राजकुमार, वो ख्वाजा कुतुब का शहजादा का राजकुंवर, क्या वो ख्वाजा कुतुब का शहजादा अजीबो गंज शकर का राजकुंवर, और कलियर में खुदाई राज कलियर में खुदाई करता है, 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 बोहराज दुलारा। शायर ने लिखा है आज के साबिर की आवाज, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शायर कहता है साबिर पाक का दीवाना अर्ज करता है कि मरना तो जरूरी है लेकिन, मरना तो जरूरी है लेकिन बेकैफ मरे तो क्या मरना, मरना तो जरूरी है लेकिन बेकैफ मरे तो क्या मरना, मरना तो जरूरी है मरना तो जरूरी है लेकिन
जरूरी है लेकिन अब बेकैफो मरे तो क्या मरना। अरे ये मौत तू आना होती है। रहमत की घटाएं छाई है, अनबार की बारिश होती है। रहमत की घटाएं छाई है, अनबार की बारिश होती है। हजरत ये हमारे रवि भाई गुप्ता जी की तरफ से 100 रुपए इनाम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कि रहमत की घटाएं छाई हैं, चचा इस शेर पे खास तवज्जो दो। कि रहमत की घटाएं छाई हैं, अजी अनबार की बारिश होती है। अरे अजमेर से उठता कलियर में बरसता सुहागन रोती है। जलबो से लिपट के प्रीतम के ता हश्र सुहागन रोती है। जलबो से लिपट के प्रीतम के ता हश्र सुहागन रोती है। जलबो से लिपट के प्रीतम के हसर सुहागन रोती है। कि जलबों से लिपट कर प्रीतम के अब ता हसर सुहागन रोती है।
और एक सब की हसीन सबकी हसीन उस दुल्हन का कलियर में तू लाते सबकी हसीन उस दुल्हन का कलियर में तू लाते यकीन दुल्हन का कलियर में यकीन दुल्हन का कलियर में एक सबकी हसीन उस दुल्हन का कलियर में हश्र सुहागन रोते हैं और एक सब की हसी एक सब की हसी उस दुल्हन का सब की हसी उस दुल्हन का एक सब की हसी उस दुल्हन का कलियर में दूर पेश कर रहा हूं कि ये किसने कहा ये किसने कहा है दूर तुम्हें जलबों से उलझना ठीक नहीं। जैसा कि ये मस्तान बाबा की शान में ये प्रोग्राम चल रहा है और हमारे राजू भाई और फिरोज भाई और आप सभी की हजरात की यही ख्वाहिश थी कि मैं बाबा का प्रोग्राम बनाऊंगा उसे पाक बनाऊंगा चाहे बेशक घर भूख के क्यों ना तमाशा देखना पड़ जाए। काफी दिनों से ये हमारे राजू भाई के दिल में तमन्ना थी। ये किसने कहा है दूर तुम्हें ये किसने कहा है दूर तुम्हें जलबों से उलझना ठीक नहीं। ये किसने कहा है दूर तुम्हें जलबों से उलझना ठीक नहीं। ये मैं राजू भाई के हवाले शेर पहुंचा रहा हूँ कि ये किसने कहा है दूर तुम्हें अरे जलबों से उलझना ठीक नहीं। क्यों अरे जलता है नशे पर चल घर भूख तमाशा ये किसने कहा है दूर तुम्हें अरे चल मुझसे उलझना ठीक नहीं और जलता है नशे मन चल जाए चलता है नशे मन चल जाए अरे घर भूख तमाशा देखे
लीजिए।